हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14। और इससे के पहले की वीडियो में हम इससे के पहले के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुके हैं। उन वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा, और आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे या इस चैप्टर से नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, 14 क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए इसमें लिखते हैं, नाउ टेकिंग एलएचएस। तो हम इससे क्वेश्चन को एलएचएस के अनुसार करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस के टू साइन 4x प्लस के साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव। ये तो नाउ और टेकिंग एल एच एस, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें एक फॉर्मूला आपको दिख रहा हो ये वाला। ठीक है, सिर्फ इतने को ही लेना है। और इसमें थोड़ा देखिए कंफ्यूज होने की बात है ही। देख इसे और इसे लेंगे आप तो कितना होगा, 5x हो जाएगा ना, तो इसको नहीं लेना है। अब मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा कैसा करना, देखिए एक्स और ये 6x, ये भी नहीं आ पाएगा ना। तो हम लेते हैं इस क्वेश्चन को, शायद क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। चलिए देखते हैं, हम चेक करते हैं किताब के अनुसार। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, उस क्वेश्चन की मिस्टेक को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ 2x है। क्या यहाँ 2x है, इसलिए क्वेश्चन को गड़बड़ी हो रही थी। और बुक के अनुसार मैंने देखा तो एकदम फिट निकला। तो साइन 2x प्लस के टू साइन 4x, ओके। तो हम किन्हें लेना है, देखिए साइन 2x प्लस के साइन 6x। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्टली गिरेगा। ठीक है, और इसे लिख दीजिए 2 sin 4x, ये लास्ट में हो गया। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मूला पुट हो रहा है, साइन ए प्लस के साइन बी, ये तो हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्या होता है साइन ए प्लस के साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin और ए प्लस बी अपॉन 2 cos ए माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं अब हम फॉर्मूला में। अब देखिए इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है इसमें 2x, और बी इज इक्वल टू क्या है हमारा 6x, ये वैल्यू अब इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं 2 sin और ए की वैल्यू क्या, 2x प्लस के 6x/2 cos और 2x माइनस के 6x/2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये प्लस के 2 sin 4x, ये चल रहा है, इसे चलने दीजिए, इज इक्वल टू देखिए तो 2 sin और 2 और 6 कितने हो गए 8x, और इससे इसे डिवाइड कर दीजिए कितना बचेगा 4x। ठीक है ना, देखिए क्या 2x प्लस के 6x/2 इज इक्वल टू कितना होगा 8x, और 2 इससे से करेंगे तो इज इक्वल टू क्या है 4x। तो हम 4x लिख देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 4x, और cos यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 2x माइनस के 6x/2, तो कितना माइनस के 8x, माइनस के 8x क्यों होगा भाई 4x/2, 2 इससे कैंसिल हो गया तो 2x बचेगा। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस के 2x और प्लस के 2 sin 4x। ठीक है, ये चीज़ लिख दी। अब देखिए इस cos की पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए यहाँ लिखते हैं 2 sin 4x। अब देखिए इस कॉस की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं कॉस की। अब देखिए कॉस क्या है माइनस के 2x, ये है। तो इज इक्वल टू करेंगे तो 2 क्या हो जाए, देखिए अगर हम देखिए इसे नहीं, ये माइनस का है रहने दीजिए, क्योंकि हाँ ये माइनस का है तो ये अपना माइनस खा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा cos 2x प्लस के 2 sin 4x,
ये हो गया। अब देखिए साइन और टू साइन, इसमें कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, पहले कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा टू साइन 4x, कॉमन आ जाए कॉस 2x प्लस के 1, ये कॉमन आ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए, और जो टू कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2x का फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ, 2x इज इक्वल टू में 2 cos² x माइनस के 1, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए तो यहाँ आ जाएगा, देखिए अब 2 sin 4x ये तो अपनी जगह रहेंगे, और यहाँ हो जाएगा 2 cos² x माइनस के 1, और ये प्लस का 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब बचेगा क्या, देखिए अब बचा क्या हमारा, 2 sin 4x और ब्रैकेट में बचा 2 cos² x, ये बचा। अब देखिए इसका डिवाइड कर दीजिए, आप क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दीजिए इसका, तो 4 cos² x और sin 4x, यही तो बचा। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ लिख दीजिए शोभा के लिए हैंस प्रूव्ड। बस हो गया, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और 15 में है क्या, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन नंबर में क्या है, कॉट 4x ब्रैकेट के अंदर साइन 5x प्लस के साइन 3x इज इक्वल टू कॉट x, और इसके अंदर है साइन 5x और माइनस के साइन 3x, सही है ना, एकदम करेक्ट, या माइनस ही है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब इसमें देखिए क्या स्टेटमेंट है और इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोनों की स्टेटमेंट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमें इसे RHS और LHS दोनों के अनुसार करना होगा। तो देखिए, नाउ टेकिंग LHS, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं LHS, तो LHS है कॉट 4x, ठीक है ना। अब कॉट 4x है तो उसमें क्या होगा, देखिए कॉट 4x को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए उसे कर सकते हैं कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉस अपॉन साइन में कर सकते हैं, और इसके एज इट इज चल रहा है 4x, तो यहाँ 4x लिख दीजिए, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, अब साइन 5x प्लस के साइन 3x, इसको देखिए कन्वर्ट करते हैं अब हम, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन 5x प्लस के साइन 3x अपॉन क्यों, यहीं तक, सॉरी। अब देखिए ये फॉर्मूला बनना है किसका, साइन ए प्लस के साइन बी का, तो क्या फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, और ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, 3x और 5x, फॉर्मूला होता है 2 sin, और इसके अंदर ये चल रहा है तो इसे भी लिख दीजिए यहाँ 4x प्लस के साइन 4x, तो 2 sin, फॉर्मूला होता है ए प्लस के बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को मैंने पुट कर दिया, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस के साइन बी का। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए cos 4x / sin 4x, ब्रैकेट के अंदर 2 sin, और यहाँ देख दीजिए क्या है 5x और 3x, तो यहाँ लिख दीजिए 5x प्लस के 3x / 2, और यहाँ आ जाएगा cos, क्या लिख देंगे अब यहाँ 5x माइनस के 3x / 2, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट लाइन से cos 4x / sin 4x इंटू 2 sin, और ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना, 8 हो जाएगा 8, और 8 से 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4x, और डॉट यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा x, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ जाने के बाद देखिए अब ये क्या है, sin 4x और sin 4x, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos 4x और डॉट cos x, ये वैल्यू आई। अब देखिए इस वैल्यू के आ जाने के बाद, ठीक है, ये किससे, LHS के अनुसार ये वैल्यू आई। अब RHS को अलग से पुट करना पड़ेगा तब मेरा आंसर एकदम करेक्टली आएगा। ठीक है, तो देखिए RHS में यहीं देखते हैं ऊपर की साइड,
और आपको नीचे एकदम फिट तरीके से समझ आ जाएगा। अब देखिए कॉटेक्स को चेंज करेंगे तो किस में करेंगे, तो कॉस वाई साइन, और एक्स चल रहा है तो एक्स अपनी जगह रहेगा ठीक है। और ये हो गया साइन 5x माइनस के साइन 3x, ये वैल्यू आ गई ठीक है। अब ये फॉर्मूला बनना है साइन ए माइनस साइन बी का, तो यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है ठीक है, फॉर्मूला लगाना ही अति आवश्यक है, तो 2 cos और ए प्लस के बी वाई 2 और साइन ए माइनस बी वाई 2, ये फॉर्मूला होता है ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूला को हम इस साइड पुट करते हैं नीचे की साइड ठीक है, यहाँ करते हैं इसे पुट अब इस साइड, ताकि आपको यहाँ तक आंसर समझ में आ सके, इस वजह से मैं इस पेज पे कर रहा हूँ ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करनी है देखिए ठीक है। तो यहाँ जो चल रहा था कॉस, देखिए कॉस एक्स और साइन एक्स ये चल रहा है, और ए की वैल्यू 5x है और बी की वैल्यू हमारी 3x है, तो यहाँ पुट करते हैं, यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स ठीक है। अब यहाँ डॉट आ जाएगा 2 cos, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5x मान प्लस के 3x बाई 2, यहाँ आ जाएगा साइन, जो वैल्यू थी इसकी क्या थी 5x माइनस के 3x बाई 2, ये वैल्यू आ गई। अब इसे सिंपलीफाई कर लीजिए, कॉस एक्स बाई साइन एक्स और डॉट 2 cos कितना हो गया 8, और यहाँ आ जाएगा 4x डॉट साइन कितना है 2x, और ये इससे डिवाइड करेंगे तो x राइट। अभी साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्रूफ क्या करना है कॉस एक्स डॉट 2 cos 4x ठीक है। अब इसे सिंपलीफाई कर लीजिए, इधर इस साइड लिख दीजिए 2 cos 4x डॉट कॉस एक्स, यही तो मुझे प्रूफ करना था, यही तो मुझे प्रूफ करना था 2 cos 4x डॉट कॉस एक्स। तो लिख देंगे यहाँ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, शोभा के लिए लिख दीजिए यहाँ हैंस प्रूव्ड, बस क्वेश्चन हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी। जय हिंद, जय भारत।